बाबा जी का बुलावा आया। बिल्कुल बिल्कुल। और रात में 2 बजे प्लान बनाया था दीपावली का दिन का। अच्छा, एकदम प्लान बन गया आपका। अच्छा, जैसे कि जाऊँ बाबा नीम करोड़ी जी के दर्शन करने चलते हैं। अच्छा, 2 बजे प्लान बना, 4 बजे ट्रेन पकड़ गई और 11 बजे मंदिर में पहुँच गए। अब मंदिर में पहुँचे, मन की बड़ी शांति मिली। अच्छा, और अच्छा सुकून सर, मन की शांति मिली। अब तो लगा रहेगा बाबा जी के दर्शन। नहीं बिल्कुल, जब उनका बुलावा आता है तो मतलब बड़े बड़े जितने भी हैं, जैसे चाहे एप्पल का मालिक ले लो या गूगल का या फेसबुक का, जितने भी मालिक होते हैं बाबा जी के पास जरूर आते हैं और सब उन्हीं की कृपा से ये सब बने हैं और बाबा जी का आशीर्वाद ही लेने हम यहाँ पे आए थे। बाबा जी का आशीर्वाद मिले और हमें भी कुछ ना कुछ कामयाबी मिले बाबा जी के आशीर्वाद के साथ साथ। और हम अपने मित्रों से कहने कि बाबा जी का मंदिर जाइए और उनसे दर्शन करिए और मिल के आइए, और इससे हमारा बाबा जी का प्रचार होगा, देश विदेश में भी प्रचार होगा और हमारे सनातन धर्म को आस्था मिलेगी और अच्छा रहेगा कि बाबा जी का प्रचार हो रहा है। महावीर विक्रम बजरंगी तुम कन्याद तुम कैसंग संसवरम विराज तुम साधारण कुंडल कुंजित्वजा विराज साज मूज जने मूज संत सुमन कैसरी नंदन से प्रताप महाजगवन विद्यवान दुनिया चातुर राम पाद कर दे पोवा प्रभु चरित सम दे पो रसिया राम लखन सीता मन बस कृष्ण रूप घर से दिखावा विकट रूप घर लंक जरा भीम रूप घर असुर संहारे राम चंद्र काज संवार लाय सनी मन लखन दियाय श्री रघुबीर हरत उर लाय रघुपति कीनी बहुत बड़ाई सुनम प्रिय भर तय समवाय कहत बदन तम रोयत गाव अस तय त्रिपट कंठ लगाव चनिकाज ब्रह्मा दुमनी सा नारद पारद सही तुम्हारी तुम कुबेर दिव पाल जहाँ तुम कर दो दिव कर सके काम समोच तारक देवन की ना राम मिलाय राग पद दी तुम रो मंतब भी सन्मान लंके सर भय सब जग जाना खुद साहस योजन परवान लीलो काय मधुर फल जान प्रभु मोदी कामिल मुखमान गल दिलांग जयत रजनाम दुर्गम काज जगत खेजे सुगम अनुग्रह तुम रहते राम दुआरे तुम रखवारे तुम अज्ञा बिन पैसार अब तो कलहे तुम्हारी सरना तुम रह सकताहु तो डरे आपन तेज संभारो आपन तीनों लोक हाथ के कांपन लो पति का संकट नैया महावीर जब नाम सुनाओ ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत मीरा संकट के हनुमान छुआ मन क्रम बचन जान गोला तट पर राम तपस बीरा जातन के काज सकल तुम साथ और मनोरथ जो कोई लावे स्वयमित जीवन फल पावे चारुग फलता तुम्हारा है पर से जगत लिया आज संत के तुम रखवाल असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता अकबर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदर हो रघुपत के दाता तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बसराव अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हर भक्त काम और देवता से तुम करे हनुमत सैन शरद सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुम रे हनुमत बल दीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव मुखना जो सतबार पाठ कर जो ये छोटे बंद महासुख हो ये पढ़े हनुमान चालीसा ओ ये सिद्ध साथी गौरीसा तुलसीदास सदा हर शेर श्री जय नाथुर जय महादेव पवन तन संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भोला बर राम जय।
जय जय राम रे प्रभु राम जय जय राम डिवाइन चैनल पर आप सब भक्तों का स्वागत है। मैं इस टाइम कैंची धाम में और आप देख रहे हैं कैंची धाम से दिवाली स्पेशल सीरीज़। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत पसंद की हमारी ये दिवाली स्पेशल सीरीज़। मुझे बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आए और बहुत से लोगों के ईमेल्स भी आए हैं कि ये दिवाली स्पेशल जो हम नए भक्तों के ऊपर जो हमने वीडियो शूट किए थे, जो यहाँ पर पहली या दूसरी दफ़ा आए हैं, उन नए भक्तों के क्या एक्सपीरियंस रहे, उन्होंने क्या फील किया। और ये आपने आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। और हम अब दिवाली स्पेशल के अंतिम चरण में पहुंचने वाले हैं। आज दिवाली स्पेशल का चौथा भाग वो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिस दिवाली स्पेशल के चौथे भाग यानी कि भाग चार में आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ मुरादाबाद से आए रजत जी, उनकी फैमिली और उनके कज़न्स। ये सब युवा हैं और पहली दफ़ा यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन इनका जोश, इनके हौसले इतने बुलंद हैं, ये इतने उत्साहित हो रहे हैं दर्शनों के लिए, और इनके जो जयकारे हैं उससे पूरा माहौल एकदम खुशनुमा हो गया। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोरी जी की जय। और महाराज जी की लीला देखिए कि इनका आधी रात में जब ये घर पे थे मुरादाबाद में, तो इनका एकदम विचार बना कि कैंचीधाम जाएंगे महाराज जी के दर्शन करने। और उसके बाद में उसी टाइम इन लोगों ने टिकट की रिजर्वेशन करवाई। और दिवाली में हालांकि इतना रश होता है, ट्रेनों में बुकिंग नहीं मिलती, लेकिन महाराज जी की लीला देखिए, इनकी रिजर्वेशन भी हो गई और ये सुबह यहाँ पे कैंचीधाम में पहुँच गए। तो चलिए मिलते हैं रजत जी, उनकी फैमिली, उनके कजन्स वगैरह से बात करते हैं, दर्शन करने हैं। बाबा जी का बुलावा आया, बिल्कुल बिल्कुल। और रात में 2 बजे प्लान बनाया था, दीपावली का दिन था। अच्छा, एकदम प्लान बन गया। अच्छा, सीधा हूँ बाबा नीम करोड़ी जी के दर्शन करने चलते हैं। अच्छा, 2 बजे प्लान बना, 4 बजे ट्रेन पकड़ी और 11 बजे मंदिर में पहुँच गए। अब मंदिर में पहुँचे, मन की बड़ी शांति मिली। अच्छा, और बड़ा अच्छा सुकून सा लगा मंदिर में। अभी तो कपाट बंद है मंदिर के, पुजारी जी कह रहे हैं सूर्य ग्रहण करके, हाँ सूर्य ग्रहण है तो इसलिए ग्रहण के कारण कपाट बंद कर रखे हैं। पुजारी जी कह रहे हैं कपाट 6 बजे के बाद खुलेंगे, तो अभी तो हमने दर्शन नहीं कर पाए, पर जितने भी हुए बहुत अच्छे हुए और बहुत भव्य हुए, मन की शांति मिली। अब तो लगा रहेगा बाबा जी के दर्शन, बिल्कुल उनका बुलावा आता है तो अब तो आए हैं, तो अब तो आप सब लोग एक ही फ्रेंड सर्कल में हो या सब फैमिली, सब अच्छा, सब कजन वगैरह सब ही हो, तो सब लोग अपना अपना जरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्राची ठाकुर है, इनकी वाइफ हूँ। अच्छा अच्छा, आपको मैम यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये दर्शन करके कैसा फील हुआ, क्या मतलब आपने अनुभव किया कुछ मिला है? बट बाबा जी के दर्शन नहीं हुए अभी, लाल कपाट बंद होने के कारण, बट सुकून बहुत मिला। आप मैम बताएंगे? मेरा नाम गुंजन है, मैं इनकी कजन सिस्टर हूँ रजत भैया की। फीलिंग बहुत अच्छी है, बहुत शांति है यहाँ पे आके, एकदम अच्छा फील हुआ है। बाकी तो कपाट खुलेंगे तो वो अलग ही फीलिंग होगी। नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। मस्त गुड। तो आप लोग यहाँ पे स्टे करोगे, मतलब कपाट तो आज शाम को ही, हाँ, मतलब बुक में भी आज शाम को। आप मैम? मेरा नाम साक्षी रस्तोगी है, मेरी सिस्टर हूँ, मैं भी मुरादाबाद से ही आई हूँ। और अभी वैसे मंदिर बहुत अच्छा है, बाकी कपाट खुलने के बाद दर्शन करेंगे। सर आप? मैं बैठा को रैयत का छोटा भाई,
यहाँ पे मैं अपने दोस्तों से गाने का प्लान तो बना रहे थे वैसे। अब प्लान में बात चली थी, रात में बात हुई थी, रात में बात उठी तो अब हमारे अंदर आया कि दोस्तों को छोड़ो पहले भाई बहनों के संग चलते हैं। नहीं बिल्कुल, फिर भाई बहनों से कही और फिर 2 बजे प्लान बना, 4 बजे उठे और चल पड़े और यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छी शांति मिली मन को। तो एकदम आपका आप लोगों को प्लान बना तो कैसे आप प्लान में व्हीकल में आए हो या फिर नहीं ट्रेन से बहुत आराम से आए थे महाराज जी की कृपा से, बिल्कुल सीट भी असल बहुत आराम से मिली थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी आने में, फ्रीली हो गए थे और यहाँ पे आने का सुकून मिला मन को बहुत। अब 6 बजे तक का वेट करेंगे, 6 बजे का पार्ट खुलेंगे, फिर उसके बाद बाबा जी के दर्शन भी करेंगे, फिर अब आगे का देखते हैं फिर क्या करते हैं। आप बताइए। सौरभ ठाकुर मुरादाबाद से। यहाँ बाबा जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे अच्छी फीलिंग आ रही है और अभी तो हमारे दर्शन हो नहीं पाए हैं बाबा जी के, क्योंकि आज ग्रहण के कारण कपाट बंद था, तो शाम को हम शायद दर्शन करने दोबारा आएंगे। तो आप सब लोग स्टूडेंट हो या? हाँ स्टूडेंट भी हैं, कुछ जॉब। तो आप सब लोग यहाँ पहली बार आए हो और तकरीबन सभी आप यंग जनरेशन हो, सब एक ही फैमिली के हो और देखो महाराज का बुलावा आया और अचानक ही आपको आधी रात में आपके मन में विचार आया और एकदम आप लोगों की टिकट भी बुक हो गई और आप यहाँ सुबह सुबह पहुँच भी गए। तो अब आप क्या यहाँ पे आपने फील किया, क्या अनुभव किया और जो खासकर जो नए भक्त जुड़ना चाहते हैं, जो यंग जनरेशन है, उनके लिए तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत नाम सुना नीम करोड़ी बाबा जी, जब भी मतलब बड़े बड़े जो इतने भी हैं, चाहे एप्पल का मालिक ले लो या गूगल का या फेसबुक का, जितने भी मालिक होते हैं बाबा जी के पास जरूर आते हैं और सब उन्हीं की कृपा से ये सब बने हैं और बाबा जी का आशीर्वाद ही ले रहे हैं। हम यहाँ पे आए थे, बाबा जी का आशीर्वाद मिले और हमें भी कुछ ना कुछ कामयाबी मिले बाबा जी के आशीर्वाद के साथ साथ, और हम अपने मित्रों से गए ने कि बाबा जी का मंदिर जाइए और उनके दर्शन करिए और मिल के आइए और इससे हमारा बाबा जी का प्रचार होगा, देश विदेश में भी प्रचार होगा और हमारे सनातन धर्म को आस्था मिलेगी और अच्छा रहेगा कि बाबा जी का प्रचार हो रहा है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। आप मैम अगर मैं आपके निजी विचार पूछूं तो मतलब आपने क्या महसूस किया, क्या फील किया और आप क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी जो नई जुड़ रही है? यही कहना चाहूंगी कि एक बार यहाँ पे आके जरूर दर्शन कीजिए, यहाँ आके बहुत शांति मिली है। बाकी बाबा जी के दर्शन करने के बाद जो शांति मिलेगी उसका तो हम आपको बता ही नहीं सकते। आप एक बार जरूर आइए और यहाँ के दर्शन कीजिए, सबसे कहना। आप मैम? सेम फीलिंग है, बाकी तो यही कि बहुत कुछ सुना था, इनफैक्ट सुन रहे हैं, तो देखते हैं अभी कुछ कामयाबी के लिए बस यही है। मतलब जब से आप यहाँ पर आए हैं तो आने के बाद में आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कुछ अपनी हाँ, लाइफ में कुछ चेंजेस या कुछ ऐसा? हाँ ये पानी की आवाज, ये ऐसे इतने शोर में नहीं सुनाई देता है, हाँ, एकदम अच्छा सा है, साफ सफाई बहुत ज्यादा है और काफी सारे लोग आ भी रहे हैं, कपाट बंद है तो पाठ वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे, अभी कंटिन्यू लोग कर ही रहे हैं और बाकी कपाट खोलने के बाद ही हम फर्स्ट टाइम आए तो ज्यादा कुछ बोल रहे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप मैम? मैं भी बस यही कहना चाहूंगी कि यंग जनरेशन को यहाँ पर आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए भगवान से, जो भी अपनी इच्छा है वो कहनी चाहिए, पूरी होगी वो बस। अब जैसे कि यंग जनरेशन है उनको घूमना बहुत पसंद होता है, तो यहाँ पे बाबा जी के दर्शन करने भी आ सकते हैं और घूमने के लिए पहाड़ों का नजारा भी बहुत अच्छा मिलेगा। यंग मैं जनरेशन से कहना चाहता हूँ कि एक बार जरूर आए और बाबा जी के साथ यहाँ पे दर्शन करें, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ उनसे, और यहाँ पे मन की शांति बहुत मिलती है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और मैं अपने फ्रेंड्स जो भी हैं उनको भी बताऊँगा इस बारे में, और यहाँ पर आए और बाबा जी के दर्शन करें और उनकी लीलाएं। आप सारे पूरे ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें, अपने विचार रखे, अपने अनुभव शेयर किए, महाराज जी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। तो एक बारी जयकारा हो जाए। नीम करोली जी की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय नीम करोली महाराज जी की। जय नीम करोली महाराज जी की। जय हनुमान जी की। जयकारा वीर बजरंगे। जयकारा वीर बजरंगे। जयकारा वीर बजरंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय